हेलो एंड वेलकम टू द कोडिंग बाइट्स आई एम अभिषेक परमार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम विच इज काउंट डिजिट्स इन अ नंबर सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे देन उसके बाद हम उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात करेंगे सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी नाइफ सोल्यूशन मतलब कि प्रॉब्लम को देख के आपके दिमाग में सबसे पहला जो सोल्यूशन आता है वो हमारा नाइफ सोल्यूशन रहेगा इट मे हैव हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए हम डिस्कस करेंगे कुछ और सोल्यूशन जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाइफ सोल्यूशन से काफी कम होगी तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं सो द क्वेश्चन इज़ हमें एक नंबर दिया जाएगा विच इज़ फॉर एग्जाम्पल वन टू एंड थ्री अब हमें यहाँ पे बताना है कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं सो so यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वन टू एंड थ्री देर आर थ्री डिजिट्स सो आवर आउटपुट विल बी थ्री लेट सी वन मोर एग्जाम्पल सो द इनपुट इज थ्री फोर फाइव टू एट तो इस नंबर की लेंथ है फाइव सो द आउटपुट विल बी फाइव सो so, अब एक कॉर्नर केस भी डिस्कस कर लेते हैं लेट्स अज्यूम योर इनपुट इज जीरो सो इस केस में आपका लेंथ होना चाहिए वन दैट मीन्स योर आउटपुट शुड बी वन ओके सो अब प्रॉब्लम क्लियर है नाउ लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइफ सॉल्यूशन सो सबसे पहला जो सोल्यूशन हमारे दिमाग में आ सकता है वो ये है कि हम नंबर के एक एक डिजिट को काउंट करें जैसे कि नंबर है थ्री फोर फाइव सो यहाँ पे थ्री फोर फाइव में मैं सबसे पहले जाऊँगा थ्री पे एंड नाउ आई कैन से उंट इज वन देन में जाऊंगा फोर पे एंड आई केन सेन सेटिकुलर इनपुट थ्री मैं लेफ्ट से राइट ट्रेवल्स करूँ या फिर राइट से लेफ्ट मेरा रिजल्ट यहाँ पे सेम रहने वाला है मतलब की मैं लास्ट डिजिट से स्टार्ट करता हूँ सो so सबसे पहले मैं फाइव को काउंट करूंगा मेरा काउंट हो जाएगा वन देन अब मेरा फाइव काउंट हो चुका है सो so इस केस में मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ सो आई कैन रिमूव दिस फाइव और अब मैं जाऊँगा फोर पे सो नाउ माई अकाउंट विल बिकम टू अब क्योंकि फोर को भी हम काउंट कर चुके हैं सो वी कैन रिमूव दिस ऑल्सो नाव मैं थ्री पे जाके अपना अकाउंट बढ़ाकर थ्री कर देता हूँ विच इज द आउटपुट फॉर इनपुट थ्री फोर एंड फाइव सो ऐसे करके हम राइट right से स्टार्ट करके वन बाय वन एक, एक डिजिट को काउंट कर सकते हैं फिर एक बार जब हम वो डिजिट को काउंट कर लेंगे तो उसे हम हटा सकते हैं एंड वी कैन फोकस ऑन द रिमेनिंग डिजिट बट अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हम ये लास्ट डिजिट को हटा रहे हैं इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सो so इसके लिए आप सिंपली इस पर्टिकुलर नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हो ऐसा करने से लास्ट डिजिट नंबर से हट जाता है लेट्स से फॉर थ्री फोर फाइव इफ यू डिवाइड दिस बाई टेन सो यू विल गेट द आउटपुट एज थर्टी उसी तरीके से अब अगर आप थर्टी को भी टेन से डिवाइड करते हो सो यू विल गेट थ्री सो आई होप अब आपको लॉजिक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा तो अगर आपको लॉजिक समझ आया तो अभी इस वीडियो को पॉज करके कोड करने का ट्राई करो अब हम देखते हैं इसका कोड कैसे बनेगा सो so, मैं कोड करने के लिए जावा लैंग्वेज का यूज करूंगा आप चाहें तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा लॉजिक सेम रहेगा ये है मेरा कोड अब मैं आपको लाइन बाय लाइन ये कोड समझाता हूं तो सबसे पहले जैसे ही ये फंक्शन रन होगा तो हम एक कॉर्नर केस के लिए चेक करेंगे इफ एन इज़ डबल इक्वल्स टू जीरो देन रिटर्न वन बिकॉज लेंथ ऑफ जीरो इज वन अब अगर ऐसा नहीं होगा दैट मीन्स नंबर इज अदर देन जीरो उस केस में मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया है टू कीप द काउंट उसके बाद हमारे पास एक वाइल लूप है जिसकी कंडीशन है एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो क्योंकि मैं हर डिजिट को काउंट करने के बाद एन को टेन से डिवाइड करने वाला हूँ ऐसा करने से जब मैं सारे डिजिट्स को काउंट कर लूँगा तो एन बन जाएगा जीरो सो वी शुड स्टॉप दिस लूप और हम रिटर्न कर देंगे काउंटर अब इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो ऑफ लॉग ऑफ एन और यू कैन से बिगो ऑफ लॉग ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ पर्टिकुलर नंबर बिकॉज ये लूप उतनी ही बार चलेगा जितना हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे एंड द ऑक्सिलरी स्पेस इज दिलरी ऑफ वन क्योंकि यहां पे हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं अब ये नेक्स्ट सॉल्यूशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जावा यूज करते हैं बट हां अगर आप पाइथन या कोई और भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो भी आप ये पार्ट देख सकते हैं क्योंकि जिस भी लैंग्वेज में आप कोड करेंगे उसमें अगर बिल्ड इन मेथड है तो वो लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है सो so, इस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे में, और उसके बाद हम उसका कर लेंगे। जैसे कि मेरा नंबर है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूं इट विल बिकम फाइव सिक्स सेवन एंड नाउ आई कैन कैलकुलेट इट्स थ्री सो इस तरीके से कॉन्स्टेंट टाइम में हमने ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और ये हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट हो गया तो so, इस पर्टिकुलर लॉजिक का कोड बहुत ही इजी है सो so, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है नम और उसको मैंने असाइन कर दिया है एन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्ट्रिंग यूजिंग अ मेथड कॉल्ड टू स्ट्रिंग सो यहाँ पे एक मेथड है टू स्ट्रिंग इसकी हेल्प से हमने इस पर्टिकुलर एन को विच वॉज अ इंटीजर इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एंड देन वी हैव स्टोर्ड इट इन नम और उसके बाद हमने सिंपली रिटर्न कर दिया नम डॉट लेंथ विच इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग अब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो ऑफ वन एंड ऑक्सिलरी स्पेस विल भी बिगो ऑफ एन क्योंकि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं टू स्टोर द नंबर नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर सॉल्यूशन सो ये सॉल्यूशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे हमको क्या करना है हमारे नंबर का सिंपली लॉग ऑफ बेस टेन निकालना है एंड देन उसमें वन को एड करना है एंड फिर इस टोटल का फ्लोर निकाल देना है बाई डूइंग दिस वी विल हैव द काउंट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर एंड इसकी हेल्प से हम कॉन्स्टेंट टाइम में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर पाएंगे सो इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिगो ऑफ वन एंड ऑल्सो द ऑक्सिलरी स्पेसिस बिगो ऑफ वन इसमें हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन को डिस्कस नहीं किया है बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर क्योंकि हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन का लॉजिक आइट्रेटिव सॉल्यूशन से काफी सिमिलर है जितने भी कोड्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग